अब सवाद जाना इतना मुश्किल नहीं रहा, मोटरवे ओपन हो चुका है और आप जा रहे हैं मोटरवे से सवाद। टाइम हुए सुबह के 9 और हम हरिपुर शाह मसूद इंटरचेंज से मोटरवे पे एंटर हो चुके हैं सवाद जाने के लिए। और आपको कितना टाइम लगेगा ये बताएंगे नहीं अभी, क्योंकि ट्रैफिक और रोड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। साथ रहिएगा, आपको रास्ता भी दिखाएंगे और स्वाद भी लेके जाएंगे। हज़ारा मोटरवे से उतर के पिछाड़ मोटरवे पर आ चुके हैं और ये हज़ारा का नाम मैं लिए डजंट मीन कि आप लोग ये समझो कि खाली हरिपुर के लिए बनाई वीडियो। हज़ारा से आने का मतलब ये होगा कि हम वहाँ से हैं और वो रावलपिंडी के बनस्पत 45 किलोमीटर रास्ता कम पड़ जाएगा, लेकिन आप इसको 45 किलोमीटर ऐड करें तो ये रावलपिंडी से तकरीबन चकदरा इंटरचेंज पे हम उतरेंगे तो वो ऑलमोस्ट बन जाएगा कोई 215 किलोमीटर्स। तो आपको एग्जैक्ट किलोमीटर्स और टाइम इसलिए नहीं बता सकता कि मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ सवाद और आप की तरह आप चूँकि जो लोग वीडियो देखेंगे मोस्टली वो फर्स्ट टाइम ही जा रहे होंगे तो आपको भी मैं रास्ता साथ बताता जरूर। तो एक्सपेक्टेड है कि हम 3 से 4 घंटों में स्वाद पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक की कंडीशन ठीक हुई और स्वाद ऑलमोस्ट 245 या 250 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट होगा। मोटरवे अभी खुला है स्वाद का फर्स्ट मतलब कुछ दिन पहले और चकदरा रोड पे जब हम इंटरचेंज पे वहाँ से एग्जिट लेंगे तो वहाँ से भी सर्विस रोड होना पड़ेगा क्योंकि अभी फिलहाल पूरा मोटरवे स्वाद तक नहीं ओपन हो सका। तो देखते रहिए रास्ते को, इन्जॉय करिए मेरे साथ साथ। ₹130 मुझे पड़े हैं हरिपुर से और हम पहुंचे हैं चकदरा इंटरचेंज पे 10 मिनट कम है अभी 10 महीने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। और आप लोग अगर रावलपिंडी से आएंगे तो आपको 45 मिनट्स से भी कम एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट में आप हरिपुर से चकदरा इंटरचेंज में आसानी से आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जिट ले चुके हैं स्वाद की तरफ। स्वाद का टिकट मुझे मैं ले लिया है स्वाद मोटरवे का और अभी भी इंकशाफ हुआ है कि यहाँ से स्वाद 123 किलोमीटर है मतलब चकदरा इंटरचेंज से और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है इंटरचेंज, लग रहा है जल्दी पूरा खुल जाए मोटरवे स्वाद का। तो आई थिंक अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा असल सफ़र इसलिए यहाँ। कैटलिंग पे हम उतरे नीचे चूंकि आगे मोटरवे बंद था और अब ये बता रहे हैं कि आपको यूटर्न लेना है। अब देखते हैं यूटर्न लेके हम दोबारा मोटरवे पे जाएंगे या कोई सर्विस रोड है तो मुझे भी चूंकि आइडिया नहीं है, लेट्स सी। अल्लाह करे मोटरवे ही हो क्योंकि मैं बड़ा खुश था मोटरवे हम वहाँ से जब आए हैं तो काफ़ी स्पीड स्पीड आए हैं और ट्रैफिक तो खैर थी नहीं, बड़ा मज़ा आया रास्ते में, मतलब साफ रास्ता था अनलाइक नारान कगान या शोरा वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है, अल्लाह करे वहाँ मोटरवे चला जाए। सो लेट्स सी। मुबारक हो जी मुबारक हो, अभी हम फिर मोटरवे पे आ गए, मुझे समझ नहीं आ रही स्वाद मोटरवे पे हर थोड़ी देर बाद आपको एक हेलीपैड का वो इंसान मिलेगा और पता नहीं ये क्या वजह है। एक मज़े की बात जो मैं शायद मिस कर गया था, वहाँ पे हमसे कैटलिंग उन्होंने लिए थे
ये स्लाइडिंग हुई हुई है लेकिन रास्ता यहाँ पे स्लाइडिंग के लिए नहीं टूटा हुआ, बल्कि ये उन्होंने हले तोड़ के रास्ता ठीक खुला करें यहाँ से। अभी हम मोटरवे से शायद उतर गए हैं टूवर्ड्स सर्विस रोड। ये बुनेर एग्जिट जो है उससे थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको ये कुछ टूटी फूटी जगह नजर आएगी और वहाँ से रोड सिंगल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने सर्विस रोड पर्पसली बनाया है ताकि मोटरवे के जो आने वाले लोग हैं उनको मोटरवे की कमी फील ना हो। सो लेट्स सी सर्विस रोड कैसा बना हुआ है। सर्विस रोड पे आते ही हमें एहसास हुआ है कि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक भी है, बट उतना खास एहसास नहीं हुआ क्योंकि ट्रैफिक इतनी वो ज़्यादा नहीं है। बट सर्विस रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, डेफिनेटली बना है, लेकिन FWO वाले जीत के हैं। नवाज शरीफ का शुक्रिया, उसने मोटरवे का कंसेप्ट पाकिस्तान में लाया, और FWO का शुक्रिया कि उन्होंने उसके कंसेप्ट को अमली जमा बना दिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं मोटरवे का ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे। अगर हम मोटरवे पे रहे तो शायद आधे घंटे में हम पहुँच जाते सुहास, लेकिन सर्विस रोड पे आ चुके हैं और ये आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, और हमने वो सामने ऊपर जाना है उन चढ़ाइयों को ज़िगज़ैग को क्रॉस करते हुए, और ट्रैफिक मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है, तो नज़र लगी जाए, बट दुआ करें अब कि ट्रैफिक में जाम ना हो। काफ़ी देर से यहाँ पे स्टक हुए हैं, लेकिन ये जो आर्मी वाले भाई हैं इनकी मैं बहुत कदर करता हूँ कि ये जितने लोग भी लाइन से इधर उधर होते हैं उनको साइड पर लगा देते हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो नो करप्शन। ये हम अभी टनल से गुजरेंगे, इस टनल का नाम मुझे आता नहीं है, मैं आखिर किसी दोस्तों का नाम ये जी हम टनल में एंटर हो चुके हैं। आर्मी वाले से पूछा है मैंने, वो कह रहे हैं जी कि उसका नाम है स्वाद टनल, इसका मतलब है उसका नाम अभी तक क्यों नहीं रखा। ये सर्विस रोड अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैनुअल अगर गाड़ी थी ज़्यादा मुश्किल था, और दूसरा चढ़ाइयाँ बहुत थी, और तीसरा अभी थोड़ा सा रोड कुछ ख़राब आया है और वेट बहुत करना पड़ा है। एनी वेज अभी हो गए हैं तकरीबन क्या 11:20, तो 2 घंटे और 20 मिनट हमें हो चुके हैं, और 35 किलोमीटर का ये पैच जो है थोड़ा सा बीच में कुछ ख़राब था, लेकिन ओवरऑल रास्ता अच्छा था वैसे यहाँ तक। और ये जब सामने देख रहे हैं ये इंटरचेंज बनेगा मुस्तकबिल में मोटरवे का। फिर हम यहाँ थोड़ा सा रुके हैं, आर्मी एटवर्क, ये सारे पुल फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे। ये अभी हम वापस उस रोड पे जाएंगे जो मरदान से आ रहा है, GT रोड टूवर्ड्स वाक, लेकिन वो मरदान रास्ता कंपेरेटिवली काफ़ी लंबा है, उस पर टाइम भी काफ़ी लगता है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। ये हर गाड़ी के लिए मौजूद है जहाँ से अभी आए हैं मोटरवे, इतना मतलब थोड़ा कच्चा रास्ता है लेकिन गाड़ी चल जाती है इसके ऊपर। गाड़ी में बज चुके हैं 12 और हम निकले थे 9 बजे, तो कुल मिला के 3 घंटे लगे हमें, और ट्रैफिक जैम वगैरह उसमें शामिल थे। ट्रैफिक जैम तो नहीं था लेकिन वो जो रास्ते में थोड़ा स्टक हो गए थे मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वो थोड़ा जैम था उस टनल से पहले। बाकी हम 3 घंटे में हरिपुर से यहाँ पहुँचे हैं, तो जो रावलपिंडी से आएंगे वो 3 घंटे और 30 मिनट पहुँचेंगे। वेलकम टू स्वात। मैं इसको वेलकम इसलिए बना रहा हूँ कि ये स्वात का दरिया हमें नज़र आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ से कुछ 31 किलोमीटर आगे है मैंगोरा, हमें वहाँ जाना है अभी, और इसके बाद मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगा क्योंकि एक ही ब्लॉग में आप बोर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून, और वीडियो को नहीं बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।